मैं उन लोगों के लिए बात कहने जा रहा हूँ जो लोग आज सुसाइड करते हैं, पढ़ाई लिखाई असफल होने के बाद सुसाइड की ओर देखते हैं, निराशाजनक लग जाती है उनके मन में, कभी ना लाएं। मैं फोर्थ अटेम्प्ट हुआ मेरे को मैट्रिक में। फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 में मैं लेस्लीगंज सेंटर पढ़ा था, मैंने वहाँ असफल रहा। सेकेंड टाइम में भी असफल रहा। थर्ड टाइम में मैंने रजिस्ट्रिकेट हुआ। फोर्थ टाइम में मैंने मैट्रिक को क्वालिफाई किया। जीने का मौज पूरा देखा है, कष्ट क्या है वो देखा हूँ, सुख क्या है वो भी देख चुका हूँ। गरीबी इतनी थी कि बैर खा के मैं रह के पढ़ाई किया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और अभी हम जिस जगह पर बैठे हैं, यह इलाका कह सकते हैं कि शहर से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन इस परिवेश को आप चारों तरफ से हम चाहेंगे कि देख लें कि इस परिवेश में जो खूबसूरती है, जो महक है, वो कह सकते हैं कि ये ग्रामीण परिवेश की झलक है। और ग्रामीण परिवेश में बैठकर आज हम उस शख्स से बात करेंगे और अपने कैपिटल न्यूज़ के दर्शकों को रूबरू कराएंगे जो एक साधारण परिवेश में पला बढ़ा, गरीबी का ज़िंदगी जीवन जिया, अभाव में रहते हुए उसने पढ़ाई की और आज एक ओहदे पर पहुंचकर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसकी सराहना चहुओर हो रही है। और बात लाजिमी भी है, जब आप छोटे से जगह से निकलकर बड़े मुकाम को पा लेते हैं, बड़े मंजिल को पा लेते हैं, तो लोग न सिर्फ आपकी सराहना करते हैं बल्कि आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स, एक युवक हमारे साथ हैं, अरुण कुमार सिंह जी। अरुण कुमार सिंह जी, आपका तो सबसे पहले स्वागत है कैपिटल न्यूज़ पर। हमारे दर्शकों की ओर से और कैपिटल न्यूज़ परिवार की ओर से आपको बधाई भी। और बधाई हम इनको इसीलिए दे रहे हैं कि आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि डाल्टनगंज शहर से महज 15 किलोमीटर दूरी के पर यह गांव है सिक्का, पाटन प्रखंड में पड़ता है सिक्का, गरेड़ियाडी और 7 ऐसे अलग अलग टोले इस गांव से जुड़ते हैं। और सिक्का जैसे इलाके से निकलकर अरुण जी आज विश्व के नामी गिरामी कंपनी अडानी समूह के साथ जुड़ चुके हैं, अडानी परिवार का यह हिस्सा बन चुके हैं। जी हाँ, पिछले ही दिनों अडानी परिवार की ओर से इन्हें मेल आया है और इनका चयन पावर एंड एनर्जी ग्रुप के सबसे बड़ी कंपनी अडानी समूह में उप प्रबंधक के तौर पर इनका चयन हुआ है। उप महाप्रबंधक डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर इनका चयन हुआ है, तो इसीलिए इनको बधाई पलामू के तरफ से, कैपिटल न्यूज़ के तरफ से। आज हम अरुण जी से बात करेंगे इसीलिए भी, और आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक साधारण परिवेश में पला बढ़ा लड़का कैसे उस मुकाम तक चला गया। सबसे पहले आपके ये जो सफ़र रहा है और सफ़र का जो संघर्ष रहा है, हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई और कैसे आपने उस मुकाम को हासिल किया। सबसे पहले थैंक यू कैपिटल न्यूज़ को, और क्योंकि मैं भी बाहर रहता हूँ 27 ईयर का कैरियर में, तो मैं बाहर से न्यूज अपने जहाँ हमने जन्म लिया पला बढ़ा काफ़ी यादें रहती है। और 27 साल से मैं बाहर ही रहा, और जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में नज़दीकी तो है नहीं, बिहार झारखंड यूपी में कहीं कंपनियां नहीं थी, आज के डेट में तो बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है। तो सबसे पहले चले हम कि ये है हमारी करीब 90 से हमारा सफ़र शुरू होता है, जो ज्ञान आता है 85-84 की, इसमें तो थोड़ा सा विवेक आ ही जाता है इंसानों में जब 5वीं-6वीं क्लास में हम होते हैं। तो हम उस परिवेश में चलें शॉर्ट फॉर्म में लेते हुए कि ये हमारा 7 गांव का बहुत पुश्तैनी गांव है, जो उस समय एक जमींदार के रूप में हमारे बाबा पूर्वज हुआ करते थे श्री बंगाली सिंह, उनके पिताजी का नाम रिसाल सिंह था, और हम लोग चेरो समाज से हैं। और इस जगह घिरे हुए क्षेत्र ब्राह्मणों राजपूत हर जाति के लोग रहते हैं, और मैं इसलिए इसमें ये व्याख्या कर रहा हूँ कि मैं उन्हीं के प्रेरणा स्रोत से आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। क्योंकि गांव एक ऐसी चीज़ है, प्रेरणा है, यही शहर में अगर हम रहते हैं, हमने शहर का जीवन जी लिया, जंगल का जीवन जी लिया, देहात का जीवन जी लिया, भली भांति जिया हूँ, हर तरह से जिया हूँ मैं, जीने का मौज पूरा देखा है, कष्ट क्या है वो देखा हूँ, सुख क्या है वो भी देख चुका हूँ। तो मैं इसलिए कहूँगा कि जब मैं 84-85 के दौर में चले
तो पढ़ाई लिखाई होने की ढीबरी होता था उस समय, स्टार्टिंग में ढीबरी था, लैंप आया था कुछ थोड़ा सा उच्च ओहदे पद में, अगर कुछ नौकरी पेशा वाले उस समय के थे तो ये लैंप लिया करते थे लैंप करके, नहीं तो ढीबरी कहीं दवाई ववाई का जो बोतल होता था उसमें हम लोग दिया बाती करके जला के लेके चलते थे, पढ़ते थे। और वो समझे कि बड़े उस समय मिट्टी तेल हुआ करता, किरोसिन जिसको भी बोलते हैं, रिफाइन करके जो हम लोग बोलते हैं, तो वो सब में लेकर पढ़ाई लिखाई करते थे। और रही बात गरीबी की, तो गरीबी इतनी थी कि बैर खा खा के मैं रह के पढ़ाई किया हूँ। किसी खेत में जाता था तो वहाँ चना खा के रह जाता था। कुछ हमारे ग्राम जो सात गांव का मैंने नाम लिया, सभी इन लोगों का देन है कि कम से कम इतना बोला करते थे अरुण कुछ करेंगे। और मुझे भी उस समय पता नहीं था कि मैं पढ़ाई करता था तो क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, बाबूजी का बहुत देन है इस सातों गांवों में, इवन कजरी तक अभी जाएंगे तो इनका पिताजी का नाम श्री अंबिका प्रसाद सिंह हुआ, मैंने उनका शिक्षा का क्षेत्र में बहुत प्रचार प्रसार रहा है। बहुत पिताजी आपके शिक्षक रहे हैं? शिक्षक रहे, प्राइवेट शिक्षक रहे हैं, प्राइवेट शिक्षक जी, तो वो काफ़ी शिक्षा प्रसार प्रचार किए हुए हैं जो विख्यात भी हैं इस तरह से इस एरिया में। अगर कहीं भी उनके नाम से, मेरे नाम से उतना शायद नहीं जाना जाता है, उनके नाम से बहुत बढ़िया से जाना जाएगा। तो उनकी मैं पढ़ाई लिखाई कहूँ तो स्कूल जाते थे तो दिन भर स्कूल में लेके जाया करते थे, 4 बजे भोर में उठा देते थे। मैं इसलिए संघर्षमय जीवन बोल रहा हूँ कि आज भी लोग अगर करें तो ये मुकाम बड़ी नहीं है, आज भी नौकरी की कमी नहीं है। हमने कई लोगों को इंटरव्यू ले चुके हैं कई लोगों को, लेकिन हमको उस तरह के आदमी आज भी नहीं मिलते हैं। कारण क्या है कि हम उस लेवल से पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए हैं। हम भले दुख से आज पहुँचे लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि लोग उसको दोहराए, उस दुख से देख के सीखे कि उतनी आज भी स्रोत काफ़ी है, आज के डेट में बहुत कुछ है। उस समय ढीबरी हुआ करता था जब, तो बिल्कुल अरुण जी हम आपसे इसीलिए बात ही कर रहे हैं कि आपने इस संघर्ष में रहते हुए इस मुकाम को हासिल किया है, तो उसके पीछे कौन सी वजह रही होगी जिस वजह को हमारे दर्शक सुने, खास करके युवा पीढ़ी जो आज भटकाव के दौर से गुजर रही है वो सुने और प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उसको उतारने का काम करें। आपसे बातचीत करने का मेरा हम लोगों का यही मकसद है जी। आपकी स्कूलिंग से आप हमारी बात को बताइए कि स्कूलिंग आपकी कैसे हुई और कैसे आपने आगे की पढ़ाई को जारी रखी। हाँ, स्कूलिंग हमारा प्राइमरी हुआ हमारे गांव से हुआ। ये आप पेड़ जो देख रहे हैं तो ये जो करीब 100 साल 200 साल से ऊपर ही होगा, एक पीपल का बड़ा वृक्ष है जो 500 साल पुराना है। हमने इस पीपल के नीचे पढ़ा, इस बरगद के नीचे पढ़ा है। और उस समय गुरुजी हुआ करते थे, 5-6 किलोमीटर बरमोरिया गांव है, बैदा यहाँ कला हमारे आज भी जीवित हैं बच्चे, हम सम्मानित किए हुए हैं कई। तो इस बरगद के नीचे मैंने पढ़ाई किया है, यहाँ से पढ़ाई करके 5वीं पास करके हम 6ठी में लोहड़ा चले गए मिडिल स्कूल। और ये सौभाग्य मुझे मिला कि जो टीचर्स हेडमास्टर बाबूजी को पढ़ाए वही टीचर्स हमें भी पढ़ाए हैं उस स्कूल में। लोहड़ा 2 स्कूल है, मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल है। सो हाई स्कूल में भी वही टीचर मिले, वहाँ से मैं 10th किया। मैं एक्चुअली सही बताऊँ तो मैं उन लोगों के लिए बात कहने जा रहा हूँ जो लोग आज सुसाइड करते हैं, पढ़ाई लिखाई असफल होने के बाद सुसाइड की ओर देखते हैं, निराशाजनक लग जाती है उनके मन में, कभी ना लाएं। मैं फोर्थ अटैम्प्ट हुआ मेरे को मैट्रिक में। फर्स्ट अटैम्प्ट में 90 में मैं लेस्लीगंज सेंटर पढ़ा था, मैंने वहाँ असफल रहा। सेकेंड टाइम में भी असफल रहा। थर्ड टाइम में मैंने रजिस्ट्रिकेट हुआ। फोर्थ टाइम में मैंने मैट्रिक को क्वालिफाई किया, ये 92 में क्वालिफाई किया, 92 में ला। 92 से 94 मैंने आईकॉम किया बीएन कॉलेज से, डाल्टनगंज से। और आज शायद वेरिफिकेशन के लिए हमारा वहाँ आएगा भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो मैं ये पता लगाने भी मैं आया हूँ कि वो कॉलेज है या नहीं है। इस वजह से मैं जाऊँगा, पता करूँगा, उन लोगों से मिलूँगा, स्टाफ से। तो वो बीएन कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा। उसके बाद पार्ट वन में मैंने जनता शिवरात्रि, उस समय कॉलेज भी नहीं, बीएन कॉलेज ही अच्छी कॉलेज थी उस समय, जिले कॉलेज बीएन कॉलेज ही था। जनता शिवरात्रि उस समय स्टार्टिंग ही हो रहा था, तो वो भी कॉमर्स था, उसमें कॉमर्स विंग थी। तो पार्ट वन दिया, पार्ट टू के जैसे एग्ज़ाम दिए बाबूजी का ये लगा कि अब नौकरी करेंगे नहीं करेंगे, क्या मिलेगा, गरीबताई इतनी है कैसे झेल पाएंगे हम लोग। सो हमने नौकरी के लिए बाहर निकलने की उम्मीद लगाई। कई लोग हमारे गांव से, हमारे फ्रेंड्स सर्किल में जो आज हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके कि उन लोगों के प्रेरणा से हमें कॉल किए, बुलाए वहाँ। मैंने किसी तरह मैं गया, करीब 1.5-2 महीना वहाँ मैं बैठा रहा, अब नौकरी मिलेगी, अब मुझे मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टली मुझे पता नहीं था। और इस एरिया से चकाचौंध एरिया में जाना कंपनियों में, वहाँ गए तो बहुत सारी चीज़ नई चीज़ देखा जो हम लोग उस लेवल तक देखे ही नहीं, कभी पहुँचे ही नहीं थे, क्योंकि हम लोग को मतलब पढ़ाई भी ढंग से नहीं, शहर तक नहीं देख पाते थे। 1 रुपया मिलता था, 25 पैसा भी नहीं मिलता था, तो हम लोग शहर तक नहीं बढ़िया से देख पा रहे थे। तो उस स्थिति में हमने वहाँ पे 1.5-2 महीना वेट किया, फिर देखे कि गांव वाले लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी सर्टिफिकेट वगैरह उठाए, झोला बड़ा लेके गए हम।
तो ऑफिसर्स लोग थे, मैं डायरेक्ट उनके साथ अप्रोच किया कि सर मैंने मेरा ये क्वालिफिकेशंस हैं। उस समय में शॉर्ट हैंड टाइप किया हुआ था रॉयल इंस्टीट्यूट डाल्टनगंज से इंटर करते करते। सो मैं वो दिखाया, प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद लोगों को लगा कि हाँ ठीक, इसको थोड़ा सा इंटरव्यू लिया जाए। तो उस समय आर्मी रिटायर्ड भी मोहन राव थे, अभी तो शायद इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, 96 की बात है, 96 में। सो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया, तो बाबू जी के कथनानुसार या उनका जो टीचिंग लाइन था बहुत स्ट्रॉन्ग, अभी भी है स्ट्रॉन्ग है उनका, तो जो ग्रामेटिकली जो उन्होंने बताया था उस हिसाब से मैंने टाइप किया, तो बहुत खुश हुए लोग, बोले कि देख कितना बढ़िया टाइप किया है। फिर हमें अकाउंट्स में मौका मिला वहाँ पे। सो उस कल्चर में ढलना बड़ी मुश्किल थी, चूँकि कंपनी मतलब साउथ इंडियन, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रूल में है तो अभी भी है, नॉर्थ इंडियन काफ़ी थे, तो साउथ इंडियन में मतलब हम लोग दो ही थे, एक बिहार से थे, पटना से, वो भी सीनियर अकाउंटेंट थे, और हमें अकाउंट्स में रखा, बाद में हमें टाइम ऑफिस में दे दिया गया, तो हाजिरी बाबू के रूप में जो कहा जाता है, तो उसमें मुझे मौका मिला। और हाजिरी बाबू में मिला तो जैसे आज आप सात गाँव का मैं जो नाम ले रहा हूँ, ऐसे ही लोगों से मिलना जुलना, अटेंडेंस लेते थे तो सबको मैं हेड काउंट करता था करके, तो लोगों के पास कंपनी में सबसे मिलना, तो मैक्सिमम लेबर ऑपरेटर जो हुआ करते थे वो सब बिहार से थे, बिहार और से और एमपी से, जिसे आज भी संबोधित करते रहे महाराष्ट्रियन लोग या साउथ इंडियन कि भैया है लोग, तो भैया तो हम लोग बोलते थे बड़ा अच्छा लगता है सब, लेकिन उन लोग बोलते बड़ा अंदर से मतलब गजब टाइप का चुभता है ऐसे, तो बड़ी वहाँ भी तकलीफ देह रहा, मुझे तकलीफ काफ़ी रहा, क्योंकि एजुकेशन उस तरह का हम लोग को नहीं मिला, बट परिवेश मिला, और ख़ास करके और प्रेरणा मुझे मिला हमारे जनरल मैनेजर हुआ करते थे, अभी नहीं है इस दुनिया में, बीएमएल में रिटायर्ड हुए थे महेश्वर सिंह, खजूरी पुरनाडी से थे, उस समय का इंद्र सिंह नामदारी का बैचमेट रहे हैं, इंजीनियरिंग एक साथ किए हुए हैं, हाँ बहुत बढ़िया मतलब रहा, तो उनका प्रेरणा स्रोत मिला, काफ़ी पढ़ाई में सपोर्ट मिला मुझे, तो उनसे देख रेख के सीखना, उनकी बेटी प्रोफेसर आज BIT में अच्छे पोजीशन में है, तो उन लोग आते थे कभी कभी, जिस समय 6 महीने में आता था, इसीलिए आज ये प्रोग्राम वगैरह जो मैं करता हूँ यहाँ फंक्शन वगैरह, तो इसलिए करता हूँ कि उनसे प्रेरणा मैं लिया, तो मुझसे कोई प्रेरणा लेके इसी तरह से कोई ना कोई तो मुझे एक दो मिलेगा कि मेरे आगे इसी तरह से निकले, क्योंकि 100 में 100 तो संभव नहीं है, बट कुछ तो निकले इस तरह से, तो करने का भी यहाँ पे फंक्शन वगैरह मैं अटेंड करने का भी मेरा मकसद दिया, फंक्शन में ही मैं आता हूँ, जनरली ऐसे आने से मुश्किल है कि नहीं मिल पाता, मेरा भी समय कम रहता है, अभी इस पोजीशन में जाने के बाद बहुत ही काफ़ी कम समय रहता है। फिर वहाँ से जब मैं क्वालिफाई किया, जब बाबूजी से निकल गया, वहाँ जाके नौकरी करने लगा, साल भर 2 साल बीता, परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा, और इसलिए मैं बिहार UP और हिंदी भाषी को मैं मानता हूँ कि आज जो दृढ़ निश्चय जो करता है वो मिल जाता है, सक्सेसफुल वो आदमी हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ नहीं, आपका मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है, आपका लगन होना चाहिए उसके प्रति, आपका भाव होना चाहिए, आप अपने आप को समर्पित करिए, सक्सेस होने के लिए ये मंत्र बहुत ज़रूरी है, डेडिकेटेड होइए, अनुशासन में रहिए, रिस्पेक्ट एक दूसरे को दीजिए, टारगेट को आप फुलफिल करना है तो आप टाइम दीजिए, दो चीज़ें हैं, अगर आप एजुकेशन में आप नंबर वन हो चुके हैं तब तो आपको कम समय, एजुकेशन क्या एक रेलवे लाइन का पटरी की तरह है, रास्ता दिखाता है, बट मेहनत ही आपका है कि वो हार्ड मेहनत करने से रेलवे लाइन अपने आप बीच भी जाएगा, तो उसी तरह से मैंने मेहनत काफ़ी करा, तो उन लोगों के नज़र में बढ़िया, साउथ इंडियन के नज़रों में, तो हमें फिर वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए अंबुजा कोडिनार करके जगह था। अब वहाँ किए तो समझिए, देखिए वहाँ से हमारा बहुत बड़ा संघर्षमय जीवन चला, मैं बताऊँ आपको, करीब 2-3 साल तो 6-6 महीने दिन और रात सोया ही नहीं हूँ मैं, 2-3 साल की बात कर रहा हूँ, उसका टेन्यूर है मेरे पास, एक एक समय है। तो जब वहाँ किया तो उस समय कंप्यूटर बहुत बड़ा चीज़ था, 99 की बात है, 99-2000 की कंप्यूटर हुआ नहीं करते, तो वहाँ पे एक दवे करके थे, आज उनका उनको थैंक्स बोलूँगा इस मंच से, गुजराती थे, बोले करुण रात में ड्यूटी करते, रात में ड्यूटी लगा था, तो मुझे 2 सेक्शन मिला, एक एडमिनिस्ट्रेशन मिला और एक स्टोर का मिला, कि छोटे प्रोजेक्ट थे वहाँ पे, तो बोले कि आप दोनों ही देख लीजिएगा, रात में तो कुछ काम नहीं है, ऐसे देखिएगा, तो मतलब खुशी थी, मैं जो भी चैलेंज मुझे आते गया मैं एडॉप्ट करते गया, स्वीकार करते गया उसको, मैं करते जाना चाहा, उसके साथ चलना चाहा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में 10 बजे तक अटेंडेंस लेता था, 10 बजे के बाद आके वो स्टोर में बैठ जाता था, तो 10 बजे से 11 बजे डिनर टाइम था, डिनर करते थे, फिर आपको रात भर तो सामान लेने आएंगे स्टोर में, तो आप सोइएगा कहाँ से, सो ही नहीं पाइएगा, तो सामान लेने आता था, अब हमको सामान का कुछ पता ही नहीं है, मैं ABCD कुछ नहीं जानता हूँ, तो मैं क्या किया, सामाजिक कार्यक्रम में, इसलिए मैं बोलता हूँ समाज भी वहाँ सपोर्ट करता है, कि समाज में आप कैसे जानते हैं कि ये आदमी ये काम करेगा, वो आदमी ये काम करेगा, तो ये प्रेरणा मुझे मिला, मैनेजमेंट तो उस समय नहीं किया था, अच्छे महफिल में नहीं रहा था मैंने, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं जाकर मैकेनिक को करता था, उस्ताद आप आइएगा सामान लेने, हेल्पर को भेजेगा तो पता नहीं रहेगा, मैकेनिक आया तो एटलीस्ट पता है कि कहाँ सामान क्या रखा, बहुत बड़ा स्टोर है, बिग स्टोर है, वेयर हाउस है, तो वहाँ पे पता नहीं चलेगा, उनके जरिए मैं रात रात भर जा करके फिर सोने का टाइम थोड़ा सा भोर में, क्योंकि हमें एज हमारा भी कम था, उस एज में अक्सर बच्चे सोते हैं ज़्यादा, तो 4-5 बजे सो लेता था थोड़ा,
फिर आपको 8 बजे फिर ड्यूटी ऑफ करना है, हैंड ओवर करना है लोगों को। तो 2 सेक्शन मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन है और स्टोर है, दोनों सेक्शन को करने के लिए आपको 1 घंटा लग जाता था। तो 9 बजे 8 से 9 हमको हैंड ओवर करने में लगता था। फिर वहाँ से सिटी में रहने के लिए रेसिडेंस वगैरह था तो 9 से 10 आपको आता था रूम में आने में लग जाता था। अब नहाइएगा धोइएगा 9:30 10 तो बजनी कैसे भी, नाश्ता करते करते आपको 11:30 बजना है। अब अपटेक में जो एडमिशन हुआ था मुझे अपटेक इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर के लिए, वो था 3 बजे का टाइम, वो था साल भर का कोर्स जो 6 महीना में कंप्लीट करना था। तो रात दिन पढ़ाई करनी है आपको। अब आप 10:30 बजे आ रहे हैं, सोएंगे कब, 1 बजे फिर उठाएगा कुक, उसका टाइमिंग है, वो सबको खिलाता था 1 बजे 1:30 बजे खाना खिला के सो जाता था वो, तो 1:30 बजे आपको उठा देगा और 1:30 बजे उठा देगा, 3 बजे आपको कोर्स करने जाना है, तब आप तो जगह ही रह गए वहाँ। फिर गए 3 बजे वहाँ पहुँचना है तो 2:30 बजे निकलना पड़ता था, पैदल जाके जाना है, पैसा उतना है नहीं हम लोग को, करीब उस समय 1400 रुपये का बेसिक था तो हमारा 2800-2900 रुपया मिलता था, तो मतलब 90-94 में वो भी 96 बहुत बड़ी पैसा होती थी, मतलब 2800-2900 रुपया भी बहुत बढ़िया पैसा था। तो उसमें जाकर अपटेक में 6 महीना डे नाइट नाइट में ड्यूटी किए, दिन में उसी तरह से मजबूरी में जगते थे, जाके कोर्स करते थे। तो साल भर का कोर्स 6 महीना में करके रात दिन इंस्टीट्यूट में करके हमने वहाँ सर्टिफिकेट पहला अटेम्प्ट में बढ़िया हासिल किया, बढ़िया मार्क्स लेकर के अपटेक में कंप्यूटर कोर्स किया। अब कंप्यूटर तो मिलेगी नहीं, उतना जल्दी फैला हुआ नहीं था कंपनियों, बट ये हो गया कि मुझे कंप्यूटर टाइप और शॉर्ट हैंड तीनों अपने कब्जे में था। तो चाहते तो हम गवर्नमेंट जॉब में भी, अगर घर में अगर बाबूजी अगर संपन्न रहते तो शायद गवर्नमेंट जॉब में भी मैं बढ़िया से प्रीफर कर लेता यहाँ पर, लेकिन कमी था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो बाबूजी की वजह से हमने बाहर गए थे। उसके बाद वहाँ मौका मिला, फिर करते करते कंपनियों में काम करते मैनेजमेंट को समझा प्रोसेस क्या है, वो सब समझे जाने एक एक तह तक गए, जिस तरह से कानून बनते हैं सरकारी नौकरी हैं संविधान, उसी तरह हर कंपनी में एक कानून है SOP है, उस SOP के कई कंपनियों में मैंने जब काम करा तो SOP से हमने रूबरू हुए, हर SOP को बहुत मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए मैं बहुत रीड किया, अंदर से रीड किया। अंततः लास्ट में मैंने 2003 में मुझे मौका मिला बिहार में आने की, क्योंकि उस समय 2003 की भी बात करूँ तो बहुत प्राइवेट कंपनियां बहुत कम थी जो UP बिहार में आती थी, क्योंकि यहां इस तरह का कल्चर ही नहीं था, नहीं था इसलिए कंपनियां नहीं आती थी। 2003 में रेलवे का ब्रिज था जो हमारा एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, आप GK की तरफ से आप देखें तो 3.7 किलोमीटर का है वो रेलवे ब्रिज है सोन ब्रिज, तो उसमें आया मैं 2003 में। 2004 में निकमार के लिए मेटेरियल सिविल मैनेजमेंट के कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए 5 आदमी चयनित हुए, 2 आदमी मेटेरियल मैनेजमेंट के लिए चयनित हुए जिसमें मैं था उसमें और 1 आंध्रा के थे, 7 आदमी टोटल चयनित हुए। हमारा सेंटर पड़ा था रांची में, पढ़ने का मौका मिला, वो इंस्टीट्यूट का नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी IMT से, तो बड़ा सौभाग्यशाली रहा मेरे लिए रांची। तो उस समय ट्रेन हुआ करती थी आपका ये बनारस रांची थी, हाँ 6 बजे वहाँ से चलते, दिन भर अब समझिए मंडे टू सैटरडे ड्यूटी है और शाम को 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, सैटरडे संडे क्लास होती थी, 2 साल का कोर्स था और वीकली मैंने पढ़ाई होती थी, संडे ही पढ़ाई होती है, 1 सप्ताह का पूरे पढ़ाई होके आपको कंप्लीट करना है। अब उसमें BML से भी कई स्टूडेंट थे, BML कंपनी से भी थे जो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, टाटा से कई थे, सब ऐसे ही कंपनी वाले जितने थे स्टूडेंट हम लोग थे। तो ये मौका मिला हमें जो हमारा, जैसा कि मैं बताया कि हमारा जनरल मैनेजर रिटायर हुए थे महेश्वर सिंह, उनकी बेटी IIM में एडमिशन ले चुकी थी मेटेरियल मैनेजमेंट से, हालांकि इनफैक्ट शायद उनका शायद नहीं क्वालिफाई कर पाए, उनका भी किताब मुझे मिला। जब सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट उनका भी पुस्तक मिला, तो मुझे भरपूर मटेरियल मिला पढ़ने के लिए। तो सक्सेस होने का भी एक रीज़न ये था कि कई तरह के मटेरियल मुझे मिला, तो उसमें पढ़ाई मैंने बेहतर करा, दिन रात मेहनत किया। उस समय भी आपका कंप्यूटर वाला मैं बताया 6 महीने उसे किया, 2003 में यहाँ आने के बाद दिन रात मैंने मेहनत करा है उसमें, कि मतलब रात में दिन में ड्यूटी करना है, रात में पढ़ाई करनी है, तभी आप 6 दिन का कंप्लीट करेंगे। और जा करके तो 2 अटेम्प्ट हुआ मेरा यहाँ भी। ये मैं समझना ये चाह रहा था कि ये 2 साल का जो कोर्स आपने बताया, तो इस कोर्स के दौरान भी आपने ड्यूटी किया, काम किया? ड्यूटी, हाँ ड्यूटी के दौरान ही उसमें पढ़ाई, कॉलेज जो कैसे करती है, कई कंपनियाँ हैं जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ टाइप रहता है। अच्छा। तो वहाँ ऑफरिंग आता है उन लोगों को, या आप स्टूडेंट दीजिए, और वहाँ से जब स्टूडेंट निकलेगा तो उन लोगों को लोग हायर करते हैं। तो कंपनियां मतलब कंपनी के अंदर जो बेस्ट एम्प्लॉय हैं उनका वो चयन करके, हाँ उनको अंदर पोटेंशियल देखता होगा कि ये हमारा आगे जा सकता है, जो हमारे कंपनी के लिए सहायक। तो हाँ ये भी एक समझने वाली बात है कि खास करके बहुत सारे युवाओं को ये बात नहीं है, आपके अंदर अगर वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है, तो आपको वो जज किया जाता है, और कंपनी अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो उसे देखते हुए आपके
व्यक्तित्व को, आपके व्यवहार को और निखारने के लिए वो आप पे इन्वेस्ट करता है ताकि आप बेहतर कर सके। और वही काम अरुण जी के साथ हुआ जब वो यहाँ कंपनी में डेहरी में थे, उसके बाद वो रांची आए और उसी से मटेरियल मैनेजमेंट का कोर्स इन्होंने पूरा किया। 2000 के बाद कैसा एक ऑफरिंग सिस्टम, हम वो स्टेज में हम लोग आ चुके कि मतलब क्वालिफिकेशन हमारे पास हो गया, बेहतर क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस बढ़िया हो गया। हमने वो दोनों जानते हुए भी इंटरनली हम बढ़िया से कंपनी और कई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो हमें बहुत सिस्टम के बारे में बहुत पता हो गया। वो होने के बाद क्या है, जब एफकॉन्स छोड़ने की बात आई 2007 में हमें लेके चले गए नागपुर। नागपुर में हमारा जैसा BML का भी वहाँ ऑफिस वगैरह भाई हमारे रहे हुए हैं वहाँ पे, तो एक्चुअली प्रेरणा इस समय मिला क्योंकि ये जो ऑर्डर टेकिंग कंपनी में काम किए हुए हमारे बहनोई जो हुए तो वहाँ से भी कंपनी का थोड़ा सा मेरे को मिला कि कंपनी भी कोई बेहतर चीज़ है जो हम लोग गवर्नमेंट से भी बेहतर काम करके दे सकते हैं तो हमको मिलेगा। आज तकनीकी युग में आज वो बेहतर काम आ रहा है, तो वहाँ से हमारा सफल करियर रहा और कई कंपनियों में इंडियन ऑयल जैसे कंपनी में काम करने को मिला। ऑयल रिफाइनरी है, पावर सेक्टर है, नेशनल हाईवे में मैंने कई सेक्टर में काम किया, वर्ल्ड क्लास का अभी जस्ट PNC कंपनी करके है, इंफ्राटेक करके, उस कंपनी में मौका भी मिला मुझे। जबकि अभी जो रिकॉर्ड बना है जो वर्ल्ड में हम सबसे बेहतर 100 आवर में सबसे ज़्यादा हम लोग बिटुमिनियस कंक्रीट काम किया, तो वो अभी जो लास्ट कंपनी जो हमारी थी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड, वो उस कंपनी से हम लोग अभी बिलोंग करते थे। उसमें जाने से पहले ये इंटरव्यू वगैरह सब करीब 3-4 महीने बहुत पहले से चल रहा था, जो अभी मैं मौजूदा कंपनी में जहाँ पे मुझे 10 तारीख को ज्वाइन करनी है तो 3 महीना पहले से इंटरव्यू रिटेन होता है। इसमें कई तरह की स्क्रूटनी होती है, आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है, आप कहीं काम किए हैं या झूठ हैं सच हैं उस लेवल पे हैं, बहुत स्क्रीनिंग होने के बाद में लास्ट अंततः ये 20 मई को हमें मिला ऑफर लेटर वगैरह, ऑफर वगैरह मिल गया अडानी समूह से ही आपको कॉल आया था सबसे पहले? हाँ नहीं, कई कंपनी में आया, अभी हमारे एक्चुअली हमारे पास 3 ऑफर हैं, एक लेकिन बेहतर कंपनी है इसलिए कि मैंने इंडिया लेवल पे एशिया लेवल तक भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर चुका हूँ जो इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, जिसने नेशनल हाइड्रो है 2800 मेगावाट में काम कर चुका हूँ, 2000 मेगावाट में काम कर चुका हूँ, न्यूक्लियर पावर में काम कर चुका हूँ, तो ये सब को देखते हुए वहाँ पे स्क्रीनिंग हुआ तो ये पावर प्रोजेक्ट है मेरे पास, ऑयल एंड रिफाइनरी का एक्सपीरियंस है बढ़िया, प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो इसके वजह से उसमें बायोडाटा में हम लोग को ये रहता है, तो आप 100 में 100 अगर स्कोर लेते हैं मिलता है तो वहाँ से आपको वहाँ से पिक करती है, वो वहाँ से स्क्रूटनी जारी करता है। हालांकि उसमें भी बहुत सारे करीब 5000-6000 रहे होंगे हमारे कैंडिडेट, उसमें स्क्रूटनी हुआ है उसमें। तो अभी पावर सेक्टर है 30,000 मेगावाट का जनरेट करने के लिए 2020 से ही प्रोजेक्शन चालू हो चुका है, ये इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट है, खावड़ा कच्छ में है, खावड़ा ये गुजरात में है, भुज कच्छ जिला है जो वहाँ डेवलप कर रही है गवर्नमेंट के तरफ से। उसमें मुख्यतः 4 कंपनियाँ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है NTPC है, स्टेट गवर्नमेंट है आपका गुजरात गवर्नमेंट से है, और सेंट्रल और गुजरात का दोनों के बीच के एक और यूनिट है जो काम कर रही है, और एक अदानी ग्रुप है, मुख्यतः 4 है जो 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है वो वहाँ पर। तो इसमें आप डिप्टी जनरल मैनेजर के पोस्ट पे काम जी एज ए डी, क्या रोल होगा आपका वहाँ पे, किस तरीके का काम होगा बस समझने के लिए? हाँ ये मैनेजर ये कंपनी में 4 स्टेज होते हैं टोटल। ग्राउंड लेवल पे आप ऑपरेशनल जो लेवल होता है कैटेगरी हो गया, आप देखेंगे तो जैसे आप 4th ग्रेड गवर्नमेंट, ज़्यादा मैं भाषा इसलिए प्रयोग करूँगा यहाँ का क्योंकि लोग गवर्नमेंट का ज़्यादा समझते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जान पाते PUC क्या है कैसे है, कंपनी में और भी बेहतर नौकरी मिलता है वो भी किसी को इतना पता नहीं। तो जैसे यहाँ पे 4 सेक्टर है आपका, चपरासी हो गए, क्लर्क किरानी हो गए, ऑफिसर्स हो गए, फिर आपके अब उसी तरह से मैनेजमेंट भी होते हैं ऑफिसर में, BPSC हो गए, IAS हो गए, फिर आप IAS पढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, उस तरह मैनेजरियल रैंक में भी उसी तरह का है। तो अगर आप मैनेजमेंट करते हैं, आप डिप्लोमा करते हैं तो पहला होता है जूनियर इंजीनियर से स्टार्ट होगा वहाँ पर, ठीक है, अब उससे भी नीचे हैं जो आपको सुपरवाइजरी कैटेगरी हो गए, लेबर ऑपरेटर कैटेगरी हो गए, तो ये है 4th ग्रेड में, ऑपरेटर ऑपरेशन जो करने के लिए सपोर्ट करेंगे मैनेजमेंट को वो है 4th ग्रेड में, जो अभी आप कंस्ट्रक्शन का लाइन आप यहाँ देख रहे हैं तो ये 4th ग्रेड में है काम कर रहे हैं, यहाँ पे सुपरविजन जो करेंगे 4th ग्रेड से यहाँ से स्टार्ट होगा। अब जो डिप्लोमा अगर करते हैं तो आपको वहाँ से जूनियर इंजीनियर का पोस्ट चालू हो जाता है, डिप्लोमा से अब आगे BTEC में, BTEC हो गया तो वहाँ से क्वालिफाई करेंगे तो अगर पहला नौकरी मिलेगा डिप्लोमा DT होते हैं, ट्रेनिंग इंजीनियर, डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर होता है, BTEC करते हैं तो हो गया BE, हो गए BE होने पे ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर होंगे, उसके बाद तो मैनेजमेंट की पढ़ाई,
मैनेजमेंट उससे ऊपर हुआ, तो आप उसमें मैनेजरियल स्किल में डायरेक्ट जाएंगे, मैनेजमेंट ट्रेनी होंगे, असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे किया था ओवरसियर से स्टार्ट, डिप्लोमा से इंजीनियर से कर दिए बीटेक वाले, फिर मैनेजमेंट से करेंगे तो आप असिस्टेंट मैनेजर मैनेजमेंट ट्रेनी से आप ऊपर जाएंगे। अब उससे आप जैसे अब सपोज करें आईएएस की भाषा अगर हम बात करें, आईएएस अब फर्स्ट अटेम्प्ट में एज कम है, बढ़िया है, तो आप एमडी सीईओ तक बेहतर रूप में प्राइवेट कंपनियों में अगर आप जल्दी मैनेजमेंट कर लेते हैं तो सीईओ लेवल पे पहुंच सकते हैं आप लास्ट ये करके। अब यहाँ आईएएस करते हैं तो आप सचिव में बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, तो सबसे बड़ा ओहदा वो है। तो अभी जो हमारा पोजीशन है, एक्चुअली आप जैसा पूछा कि रोल क्या रहेगा, क्या आप सपोर्ट करेंगे मैनेजमेंट को, तो हम लोग टॉप मैनेजमेंट में वहाँ जब जनरल मैनेजर की उपाधि जब लग जाती है असिस्टेंट मैनेजर से, तो आप यहाँ से आ गए टॉप मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट तीन मैनेजमेंट है, टॉप है, मिडिल है एंड लोअर कैटेगरी है, लोअर मैनेजमेंट है। लोअर मैनेजमेंट ये सभी आ जाते हैं, जैसा कि मैं इंजीनियर से लेकर वर्कर से लेकर इंजीनियर तक बताया। तो हम लोग आए हैं टॉप मैनेजमेंट, तो हमारा काम है सिस्टम बना हुआ जो सिस्टम रहेगा उसको सही ढंग से चालू करके और नया कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो हमें नई चीज़ों को वहाँ लागू कराना है, और जो चल रही है उसी ट्रैक को और इम्प्रूव करना है तो फिर हम लागू कर सकते हैं वहाँ। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए ग्राउंड लेवल से ले क्या हो रहा है और क्या मैनेजमेंट चाह रही है और कहाँ हम लोग क्या इम्प्रूव कमी है, कहाँ लूज फॉल है। क्योंकि हर कंपनी इतना बड़ी है बनी है, क्योंकि सब में अब इसमें जो सिलेक्शन होगा सब आईएएम से रहेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आएंगे। अब हम पहला होंगे जो लोहड़ा हाई स्कूल से और डाल्टनगंज से, मुझे लगता है कि शायद उस फैमिली में मैं जाऊंगा तो मैं पहला हिंदी भाषी इस तरह का हमारा बिहेवियर। तो खैर अभी तो लैंग्वेज वगैरह सब भगवान की दया से हम लोग बिल्कुल। मेरा अगला सवाल भी यही था कि आमतौर पर अगर हम बड़ी कंपनियों की बात करें, मल्टीनेशनल्स की बात करें, जैसे अडानी जैसे अंबानी जैसे ग्रुप्स की कंपनियों के, तो वहाँ पर भाषा को लेकर एक बड़ा दुविधा रहता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों का चयन होगा नहीं होगा। आमतौर पर युवा भी ये सोचते हैं क्योंकि आईआईएम आईआईटी से पढ़ने वाले लोग बच्चे वहाँ जाते हैं, बेहतर मैनेजमेंट करके जाते हैं, और ठीक ही कहा आपने कि उनके बीच एक लोहड़ा स्कूल से निकलकर बच्चा वहाँ जाएगा। और तो आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अलग अलग कंपनियों में काम करते हुए, उसे देख कर हमें भी यह उम्मीद है कि आप वहाँ भी बेहतर करेंगे। तो अरुण जी, कब आपकी ज्वाइनिंग है, कब आप इस संस्था को ज्वाइन कर रहे हैं? मेरा ज्वाइनिंग है 10 को, एक्चुअली 6 को था। तो मेरा आज जैसा कि सभी दर्शकों को, सभी हमारे, मैं गदगद होकर कह रहा हूँ, मुझे तो मतलब करुणा आ गया इसमें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और जो हमने ये परिवेश देखा, कोविड जैसे महामारी देखा, उसके बाद अभी कितना जाने कितने अनगिनत लोग अभी मतलब ऊपर स्वर्गवास हो चुके हैं ये गर्मी से। दो चार दिन पहले जो लू लगी है, अभी मैं MBBS डॉक्टर से MD से मिला, मैं देहरी उनसुन में हमारे कलीग्स ही हैं, वीरेंद्र कुमार डॉक्टर हैं, तो अभी उनके साथ बैठा था, अभी बोले कि मेरे यहाँ ही स्पॉट मतलब आए पेशेंट और देखिए इस तरह का सन स्ट्रोक से। तो मैं उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस है, सबको बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इसी बीच में मैं 6 को ज्वाइनिंग को निरस्त किया, मैं अभी 10 को एक्सटेंड कर रहा हूँ, आज एक्सटेंड करूँगा क्योंकि सबसे प्राथमिकता मैं दूंगा। गाँव में अभी मैं 200 पेड़ मैं वहीं से लाया हूँ, अभी पूरे अपनी गाड़ी से कल अपना पिकअप वगैरह भर के 200 पेड़ लगाया हूँ, 17-18 टाइप का पौधे हैं जिसमें फल हैं और ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं जो बड़े होंगे और विश्व पर्यावरण के लिए हम कुछ कर पाएँ। क्योंकि अभी 28 सालों से मैंने तो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में आज तक योगदान दिया और हम लोग मनाते ही थे हर साल, तो हमें आज मौका मिला कि वो कंपनी आज हमने कल हमको विदाई करे हैं और दूसरी कंपनी में ज्वाइन करना है। और 6 तारीख को देखिए कि हम अपना छोड़ करके आज ये बहुमूल्य समय हम अपने सबको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये देना चाहूँ, सबको जगाना चाहूँगा कि हर कोई अपना पेड़ लगाए। अब पेड़ लगाने का मूल मंत्र ये देना चाहूँगा कि मतलब हम पूर्वज को तर्पण करते हैं, सबको तर्पित करते हैं। हम तो चाहेंगे जैसे मेरे बाबा स्वर्गवास हैं तो हम उनके नाम पे एक पेड़ लगाएं कि बाबा का ही पेड़ है, बंगाली सिंह का पेड़, आमे के पेड़ लगा बंगाली पेड़ बोल के बोल दें। और उसमें रोज़ हम कम से कम एक बाल्टी अगर सुबह शाम पानी देते हैं, एक तरह से तर्पण भी है, एक तरह से हमारा संस्कृति बचेगा, इस तरह से हमारा धर्म बचेगा। क्योंकि आज ऐसा समय है कि ना किसी को पूजा पाठ करने के समय है, ना कोई देखना भी चाह रहा है, क्योंकि इजीली सब कुछ मिल जा रहा है। अब मोबाइल में ढूंढने के सब कुछ मिल जाएगा, जैसा हम लोग कम समय की वजह से बात नहीं कर पाए, बट ये जरूर है कि मोबाइल आज के डेट में उपयोगी है, लेकिन उसको उपयोगी ना समझ करके लोग नहीं कर पा रहे हैं उतना जितना यूज करना चाहिए। बिल्कुल, आपसे बातचीत करने के लिए ढेर सारी बातें हैं और ढेर सारे मुद्दे भी हैं, क्योंकि आपने बहुत चीज़ों को जिया है, सहा है और आपके पास पर्याप्त अनुभव है। तो हम आपसे बाद में भी रूबरू होते रहेंगे, जब भी आप पलामू आएँ, जब भी आप अपने गांव पैतृक गांव आएँ तो हमें याद करें, हम अपने दर्शकों को आपसे ज़रूर रूबरू चाहेंगे कि कराना। तो हम बात कर रहे थे अरुण कुमार सिंह जी से, सुना आपने इनके संघर्ष की कहानी, कैसे जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि साधारण परिवेश में पला बढ़ा एक लड़का एक आज
ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका है। टाइपिस्ट से इन्होंने शुरू किया था एक साधारण सी कंपनी में काम, और इसी तरीके से रफ्ता रफ्ता अपने जुनून के बदौलत, अपने आत्मविश्वास के बदौलत, ईमानदार प्रयास के बदौलत इन्होंने उस मुकाम को हासिल किया है। और अपने बातचीत के क्रम में कई ज़रूरी संदेश भी इन्होंने युवाओं के लिए दिया है कि ज़रूरी नहीं कि आप बेहतर संस्थान में पढ़े हों, बेहतर डिग्री हासिल किए हों, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो मादा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो बेशक आप अच्छा कर सकते हैं। और आज अरुण की इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत इन्हें पूरा गाँव नहीं, पूरा पलामू नहीं, पूरा झारखंड इनकी सराह रहा है। और हम भी कैपिटल न्यूज़ के माध्यम से इनको साधुवाद देते हैं, आभार करते हैं कि ऐसे ही वो दिन दुना रात चौना आगे बढ़ते रहें, समाज के लिए भी तरक्की करते रहें और सामाजिक रूप से निरंतर सक्रिय होकर समाज को दिशा प्रदान करते रहें। आप ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ।